गोरखपुर में गेहूं खरीद का प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गई। पिछले साल 100 केंद्र से खरीदारी हो रही थी, हम लोग 42 केंद्र इस साल बढ़ा दिए उस पर। इस साल 142 केंद्र में हम लोग का खरीदारी हो रही है। उसका माने कि ये जो भी किसान है उनका आसपास 8 किलोमीटर के अंदर कम से कम 1 केंद्र होना चाहिए, उसी माने के हिसाब से हम लोग 42 केंद्र बढ़ा दिए। ये केंद्र में आप देखेंगे, केंद्र में व्यवस्था, वहाँ एक अधिकारी तैनात है और वहाँ चपरासी भी तैनात है। उसी के अलावा वो नमी माप केंद्र मशीन रहेगा वहाँ नापदंड का भी जो वेटिंग मशीन है, जो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक खाटा रहेगा वहाँ। उसके अलावा बोरा वहाँ मिलेगा आपको। फिर जो भी किसान जाते हैं उन लोग का पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था इत्यादि, वो बेसिक व्यवस्था तो होगी मिनिमम। उसके बाद फिर किसान का हम लोग 1735 रुपया प्रति क्विंटल के दर से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। वो पैसा RTGS माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनके खाता में सीधे पहुंच जाएगा। कि हम लोग ये तो केंद्र का ये भी डायरेक्शन दे रखा है, कहीं आसपास जो कहीं ज़्यादा संख्या में जो यदि गेहूं का कटान हो रहा है, गेहूं का जो हो रहा है, तो वहाँ भी जा करके उसको वहाँ जो फील्ड में खरीदने के लिए भी डायरेक्शन दिया है। उसी हिसाब से अभी देखिए, इसी जनपद में इसी साल हम लोग का 96,000 मेट्रिक टन खरीदने के लक्ष्य है। अभी तो अब तक, अभी मान लीजिए आज तो 13 तारीख चल रहा है, अब तक हम 10% उसके खरीदारी का लक्ष्य लगभग पूरा कर चुके हैं और आगे भी हम लोग लगातार जो इस समय में जारी है हम लोग का खरीदारी। इस समय में ये जो गोरखपुर जनपद में फसल बम्पर क्रॉपिंग हुआ है, अच्छा खासा पैदावार है, उसी वजह मार्केट में रेट भी बहुत गिर गया है। अभी देखेंगे मार्केट में 1200-1300 के आसपास चल रहा है जो इस समय में गेहूँ। आपके चैनल के जरिए से मैं जो सारे किसान इसी जनपद का सबको अपील करने चाहता हूँ, हम तो 1735 रुपया दे रहे हैं, भरपूर पैसा है हम लोग के पास, हर केंद्र में पैसा है, पैसा का कोई कमी नहीं है। एंड 72 घंटे के अंदर आपका स्वयं आपका खाता में आ जाएगा। इस पर जो आपस में बहुत किसान का मन में भ्रम भी है, मान लीजिए कोई बटाई पे दे दिया, कथोनी तो मालिक के नाम से चल रहा, वो क्या होगा, उसका भी हम लोग हाल निकाल दिए। यदि बटाएदार और जो मालिक प्रधान से प्रमाणित करते हुए ये देंगे तो फिर जो किसके खाते में जाना है उसके खाते में चले जाएगा। दूसरा ये भी समस्या है, कहीं मान लीजिए पिताजी के नाम से कथोनी में नाम है, बट वो लड़के वो इस समय में जो जोधपुर रहा उनके खाते में कैसे जाएगा, ताकि पिताजी का अकाउंट नहीं है, उसको भी पिताजी और उनका लड़का एक अफिडेविट में लिख के दे देंगे ये जो उनके ही परिवार का है, फिर उनका जो किस खाता में वो चाहते हैं उसी खाता में चले जाता है। ये इस बार बहुत पारदर्शी रूप से हमें ये जो खरीदारी करना है, ताकि हर किसान का अपने डॉक्यूमेंट हम उसको इस बार ऑनलाइन एंट्री करा रहे हैं, उसका शासन लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो रहा है। इसलिए जो बिचौलिया है और बड़े थोक व्यापारी लोग हैं उन लोग भी कोशिश करते हैं बेचने के लिए, वो बिल्कुल फिल्टर हो जाता है। अब तक हम सख्ती से 2-3 लोग के खिलाफ FIR दर्ज करा चुके हैं, ताकि ये इस पे बिचौलिया बिल्कुल मना है। बिचौलिया किसी रूप से आने के लिए कोशिश करता है उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगा। इसलिए सारे किसान से मैं अपील करता हूँ, सीधे सीधे यहाँ आए गेहूं क्रय केंद्र पे और सीधे सीधे हमसे बेचें। वो कोई तकलीफ है, जो आपको कोई दिक्कत है, मेरा नंबर 94544-175-44, ये DM का नंबर, मेरा नंबर है, पूरा टीम के साथ आपके साथ है खरीदने के लिए। जो हम लोग के कंट्रोल रूम भी स्थापित है, डिप्टी RMO लेवल पे ऑफिसर बैठते हैं, वो 24 घंटे इस पे कंट्रोल रूम में सुनाया जाता है। कंट्रोल रूम का जो नंबर 0551 और 223-0046, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0551-223-0046, इसी पे आप डायल कर सकते हैं, 24 घंटे इस पे उठाएंगे। आपको जो भी समस्या है, मन में भ्रम हो, जो भी चीज़ है पूछना है, वो कहीं सुविधा चाहिए, जो भी चाहिए उसका व्यवस्था करेंगे। यदि छोटे छोटे किसान हैं, किसी का मान लीजिए बहुत कम माल है वो रह गया, उसको भी हम व्यवस्था किए। गांव में ही जो आपका जो ट्रांसपोर्टर, वो गांव के ही ट्रांसपोर्टर का हम तैनात कर रखे हैं। मान लीजिए किसी का गेहूँ इकट्ठा हो गया, वहाँ का ही एक ट्रैक्टर का हम लेंगे, उसका सरकार का निर्धारित रेट है, वो रेट से वो उन्हीं के ट्रैक्टर लेके हम चल पड़ेंगे। इसलिए आप गांव का ही जो ट्रैक्टर है, इसलिए तो आपका खेत से जाके उठाना बड़ी बात नहीं। किसी किसान का कम मात्रा में भी जो कोई गेहूं है उसका कहीं से आपको ले आना, तो उसको भी हम मदद करेंगे। इस बार जो गवर्नमेंट दे रही है, अच्छा खासा रेट दे रही है, 1735 रुपया, उसका फ़ायदा उठाइए। आप इस बार जो आपका कठिनाई है, जो भी महसूस होता है, तुरंत हमें बता दीजिए। यदि किसी का सेंटर दूर हो सकता है, भूल वजह तो कहीं दूर लग गया होगा, उसको भी हम लोग नज़दीक में आसपास सेंटर खोल सकते हैं। आपसे निवेदन यही है, आप इसको सरकार का फ़ायदा का जो योजना का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ लेके आए, ताकि ये गेहूँ फिर गुम करके राशन के रूप से तो फिर गरीब परिवार के ही चले जाता है। एक तरफ से ये पुण्य का काम भी है। जय हिंद, जय भारत।